मुंबई से दर्शकों को बता दे कि 8 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर आपको बता दे छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। तो ये बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है बदलापुर की घटना के बाद। आपको बता दे 8 साल की बच्ची है जिसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई, ये घटना सामने आई है। फिलहाल नागपाड़ा से जो अक्यूज है उसे गिरफ्तार भी किया गया है और इसके साथ ही पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभिषेक, लगातार देखिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं, SOP जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये नागपाड़ा से भी जो घटना सामने आई है अभिषेक, अगर खास तौर पर देखा जाए 8 साल की बच्ची के साथ जो कथित तौर पर छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, हालांकि अक्यूज को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है, बहरहाल घिनौनी हरकत है। और क्या कुछ ताज़ा जानकारी के बारे में भी आपसे डिटेल में जानकारी चाहेंगे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये 8 साल की बच्ची अपराध हुआ है वो सामने आया है नागपाड़ा इलाके मुंबई से, और कहीं ना कहीं जो अरेस्ट किया गया व्यक्ति है वो इयररिंग झुमके जो जिसे कहते हैं वो कान के झुमके बेचने वाला था, उसके पास ये लड़की इयररिंग खरीदने गई थी और उसी समय इसके साथ बदसलूकी की गई, उसे गलत जगह पर टच किया गया ऐसा उसका आरोप है, और तुरंत इसकी कंप्लेन जब पुलिस स्टेशन में कराई गई उसे अरेस्ट कर लिया गया है। और ये माइनर है इसके चलते पॉस्को एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन ये वही चीजें हैं जो बार बार हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस तरीके की घटना कोलकाता की ले, बदलापुर की ले, और उसके बाद भी इस तरीके की जो मानसिकता है लोगों में वो बंद होती या खत्म होती नजर नहीं आ रही है, एक के बाद एक अपराध हो रहे हैं। सरकार को भी सतर्क होना है और कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता जो हो रही है इसका भी अंत जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि जो महिला है जो बच्चियां हैं वो एक सेफ एनवायरनमेंट में आगे बढ़े और उनकी सेफ्टी और सुरक्षा प्राथमिकता रखकर सरकार को कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई के नागपाड़ा ये घटना सामने आई जहां पर 8 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ किया गया। फिलहाल जो वहां पर उस पूरे इलाके में आपको बता दें इयररिंग बेचता था शख्स, उसके द्वारा ये घिनौनी हरकत की गई, पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम तरीके के हैरान करने वाली खबर जो है वो सामने आ रही है। तो बदलापुर के बाद मुंबई के नागपाड़ा से ये ताजा जानकारी सामने आई जहां पर 8 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल पॉक्सो के तहत मामला भी